हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विपिन और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गूगल एडसेंस के बारे में कि कैसे इस पिन को हम गूगल एडसेंस अकाउंट में डालते हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए सबसे पहले आपको यही दिखा देते हैं कि कैसे हम अपने इस 6 डिजिट के पिन को गूगल एडसेंस अकाउंट में डालेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे मेरा 0 to 5000 सब्सक्राइबर का सफ़र कैसा रहा। ज़्यादा न कहते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं मोबाइल से अपने कंप्यूटर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में जाऊँगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने पिन अप कर रखा है गूगल एडसेंस। इसको क्लिक करेंगे, ये हो गया ओपन, ये मेरा आ गया गूगल एडसेंस होम पेज आ गया और यहाँ पर अभी $10 शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस। ये बिलिंग एड्रेस यहाँ पे आया, एक्चुअली मैं यहाँ ऊपर था, ऐसा ही मुझे वार्निंग आई थी, ये क्या कहते हैं इसे, अलर्ट था, योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस, ऐसा ही लिखा हुआ आया था और नीचे आ रखा था एक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर एक्शन किया तो मेरे पास तो पिन थी नहीं, तो ये मुझे कह रहा था कि पिन डालें। जैसे मैंने इसको वेरीफाई किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि पिन डालें, तो उस टाइम पे मेरे पास पिन तो थी नहीं। तो अब मेरे पास पिन आ गई है और मैं आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे पिन डाल दिया है। आप गलती से भी कोई ट्राई ना करें कि मैं कोई भी पिन डाल दूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव 3 अटैम्प्ट्स स्पैमिंग, मैंने कोई भी अटैम्प्ट नहीं किया था और फिर भी ये, मतलब इसकी वो होती है, एक पॉलिसी होती है कि 3 बार से ज़्यादा आप कोई रॉन्ग पिन नहीं डाल सकते हैं इसमें। तो मैं इसको करता हूँ सबमिट और ये लिख रहा है योर बिलिंग एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड। अब जैसे ये वेरीफाई हो गया है, अब मैं चलता हूँ, आप इधर देखिए बैलेंस, व्यू पेमेंट और अभी ओपन हो रहा है। तो ये आ गया दोस्तों, ठीक है, योर अर्निंग और ये यहाँ पे $10 शो कर रहा है। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं ऐड पेमेंट मेथड, ये मेरे से पहले हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास पिन नहीं थी, बिना पिन के ये हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि अब मुझे पूछ रहा है कि ऐड योर पेमेंट मेथड, आप कैसे पेमेंट लेना चाहते हैं गूगल एडसेंस से। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ऐड पेमेंट मेथड में आ रखा है ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल्स, बेनिफिशियरी नेम, बैंक नेम और जो भी इसमें डिटेल होती है, ये देखिए स्विफ्ट बैंक का स्विफ्ट कोड। दोस्तों, एक ये कोड होता है, आप जो भी बैंक का नाम यहाँ पे डालेंगे, जिसका अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसी बैंक का यहाँ पे IFSC कोड डलेगा और स्विफ्ट कोड होता है, वो आप उस बैंक के मैनेजर से पहले ही लेकर रख लें। क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था, मुझे पता था कि ये स्विफ्ट कोड मांगेगा क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं पहले से रेडी था इसके लिए। तो मेरे पास स्विफ्ट कोड है, बस मुझे अपने गैलरी में इसे ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे फिर रिटाइप करेंगे अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह, सेट एज प्राइमरी मेथड, इसको सेव कर देंगे, उसके बाद ये मेरे खाते में पैसे भेज देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे मैंने लेकिन 5 महीने में मैंने अपना YouTube चैनल मोनेटाइज कर दिया था, तो उसी के बारे में मैं आज बात करूंगा आप लोगों से। हाय दोस्तों, तो मैं बात करने वाला हूँ Google AdSense पिन के बारे में कि कैसे मुझे पिन मिला। एक्चुअली नवंबर 2019 को मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था, आप चाहो तो मेरे अबाउट में जाके इसे चेक कर सकते हैं। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। मोनेटाइज होने की जो स्पीड थी ये बहुत ही तेज़ थी और दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2019 में इसने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली थी। इसका एक रीज़न ये है दोस्तों कि मैंने जब यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में किसी ने मेरे चैनल को नहीं देखा था, मैं खुद ही देखता था 10-12 बार या 14 बार या 15 बार, उसे मिला के टोटल हो जाते थे मेरे 100-200 मिनट।
4000 घंटे तो बहुत ज़्यादा था मेरे लिए, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रात भर प्ले करूँगा, जितनी सारी वीडियोज़ भी हैं मैं खुद ही दूसरे आईडी से इसको प्ले करूँगा। तो मैं क्या कर, मेरे पास थी 3-4 आईडी और एक्स्ट्रा थी मेरे पास, तो मैंने इन 3-4 आईडियों से अपनी वीडियोज़ को खुद ही प्ले करना शुरू कर दिया, और रात भर ये प्ले होते रहते थे, और सुबह जब मैं देखता था तो 2-3 घंटे, 4-5 घंटे, 6-7 घंटे बढ़ जाते थे। तो ऐसे एक फ़ोन मेरा घर में रहता था, एक फ़ोन मेरे पास था, तो जो घर में फ़ोन था तो वो तो चलता रहता था उस टाइम पे, कंटिन्यू चलता रहता था वो, और जो मेरे पास था मैं टाइम निकाल के खुद भी अपनी वीडियोस देखता रहता था। तो इससे क्या होता है कि 4000 घंटे तो मैं पूरे कर नहीं पाया खुद ही, ना कोई कर पाएगा, क्योंकि एक साल तक तुम्हें कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा, और सोचो आपका कितना डेटा वेस्ट होगा अगर आप ऐसा करोगे तो। लेकिन इससे मुझे एक ट्रिक पता चली जो काम मैं कर रहा था, और वो बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, आप ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करना, जब आप अपने चैनल को प्रोग्रेस के मोड पे ले जाओगे तब आपको ये बहुत काम आएगी ये चीज़। तो मैंने क्या किया दोस्तों, जब मैं अपनी वीडियोस खुद ही चलाता रहता था, बार बार सर्च करता था, गूगल पे सर्च करता था, यूट्यूब पे सर्च करता था, तो बार बार सर्च करने से क्या होता है कि आपका जो वीडियो है वो जल्दी आ जाता है। आप माना बात आपने कोई सर्च किया कुछ भी कि गूगल पिन कैसे डालें गूगल एडसेंस अकाउंट में, अगर मैंने ये लिखा होगा, अगर मैंने ये अपने डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह में लिखा होगा तो ये आएगा ही आएगा, और मेरी तरह और लोगों ने भी इसको अपने चैनल पे अपनी वीडियोस पे ज़रूर बना रखा होगा कि गूगल एडसेंस पिन कैसे डालें, कैसे मंगाएं, कैसे क्या करें, सबने डाला होगा। लेकिन होता यह है जब आप ये डालते हैं यूट्यूब में कि गूगल एडसेंस पिन कैसे डालें गूगल एडसेंस अकाउंट में, तो वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती हैं। आपने कभी नोट किया होगा जब आप फर्स्ट सर्च करते हैं तो पहले 10 वीडियोस टॉप वीडियोस होती हैं, उसके बाद दूसरा पेज खुलता है, वो आपको आप उसको देख तो पाएंगे लेकिन आप समझ नहीं पाते कि दूसरा पेज कहाँ से स्टार्ट है, लेकिन दूसरा पेज 10 वीडियोस के बाद शुरू होता है, फिर उसी तरह तीसरा पेज 20 वीडियो के बाद शुरू होता है। तो मेरा नंबर आता था तीसरे चौथे में, मतलब जब 15-20-30-40 वीडियोस ऊपर हो जाती थी स्क्रॉल करके, तब जाके मेरी वीडियोस दिखाई देती थी, तो मैं बहुत नीचे था इसमें। तो मैं क्या करता था, डायरेक्ट सीधे अपनी वीडियो पे आता था, क्लिक करता था, तो इससे क्या होता है वीडियोस की रैंक बढ़नी शुरू हो जाती है। जब आप बार बार यही करते रहोगे ना कि सर्च करो और अपनी वीडियोस देखो कहाँ है, तीसरे पेज, चौथे पेज, जहाँ भी है, जिस पेज में भी है उस पर क्लिक करो, और जो सबसे टॉप में है, जो तुम्हारी वीडियोस के अगल बगल जो वीडियोस है ना उन पर क्लिक करो और अनलाइक करके बाहर निकल जाओ, ठीक है, तो आपकी वीडियोस की रैंक बढ़ती है, वो ऊपर ऊपर आती है। तो इसी तरह से मेरी वीडियोस ऊपर आने लगी। तो जब मेरी वीडियोस ऊपर आने लगी तो नवंबर दिसंबर के महीने में इसने अपनी स्पीड पकड़ ली थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि सॉरी दोस्तों, फ़ोन आ गया था मेरा बीच में, तो इस वजह से मुझे थोड़ा कट करना पड़ा, और वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, समझ रहे हो ना बात को, मेरा तो फ़ायदा क्या होना है, मेरी वीडियोस तो फ़िलहाल चल ही रही हैं, अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो आपका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर बताता हूँ जो कोई यूट्यूबर नहीं चाहता है कि आपको पता चले। तो बात को यहाँ पर ख़त्म करूँगा, आप एक चैनल बनाइए, ठीक है, उस चैनल पर मेहनत कीजिए। मेहनत कैसे करनी है, चैनल बनाया, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करना सीखिए, मैं आपको बता दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक आपको मिल जाएंगी किस तरह से आपको वीडियोस एडिट करनी है। आप देखिए मेरी वीडियो एडिट हो रखी है लेकिन कोई भी लोगो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी ऐप का लोगो नहीं दिखाई दे रहा है, और मैं जबकि काइन मास्टर यूज़ कर रहा हूँ फिर भी उसमें लोगो नहीं दिखाई दे रहा है, ना मैंने कोई पेमेंट किया है ना कुछ किया है, फिर भी मैं विदाउट लोगो वीडियो क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं आपको भी बताऊँगा कि कैसे आपने वीडियोस बनानी है और किस तरह से आपने वीडियो अपलोड करनी है, अपलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कैसे आप अपने 0 सब्सक्राइबर वाले चैनल को अच्छे खासे सब्सक्राइबर में कन्वर्ट कैसे करें। तो दोस्तों बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप चाहो तो मेरी वीडियोस देख के समझ सकते हैं कि मैंने किस तरह से अपने व्यूवर्स बनाए और कैसे उन व्यूवर्स को मैंने अपने चैनल की तरफ अट्रैक्ट किया है, आप खुद ही समझ जाएंगे। आप जब समझ जाओगे और जो बात आपको समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा क्योंकि मैं इसको अपना बिज़नेस समझता हूँ यूट्यूब को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या करना है और गाइड कौन करेगा हमें, तो आप समझ गए होंगे गाइड करने वाला
मैं हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।